दोस्तों अभी हम विजय के मम्मी के पास जा रहे हैं, वो विजय की असली सच्चाई खुद बताएंगी। हम विजय से कभी कहें वीडियो बनाने के लिए कि नहीं बनाएंगे? नहीं ना, ये तो विजय से तू नहीं कहे। आपसे कभी कहें? नहीं। आप सुनिए सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। आप एक सच्चाई बताइए, झूठ मत बोलिएगा। हम आपको कभी कहें कि मेरे साथ वीडियो मत बनाओ, सच सच बोलिएगा। हम कभी मना किए? कबो नहीं मना किए। चलिए, कबो नहीं मना किए। आपकी मम्मा को कभी, आपकी अम्मा को कभी बोले, चाची आपको बोले कभी वीडियो में? तो दोस्तों आप लोगों ने खुद विजय के मुंह से और उनकी मम्मी के मुंह से सच्चाई सुन लिया कि वास्तव में विजय की असली सच्चाई क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों कल की तरह ये वीडियो आज भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं फिर से विजय के बारे में एक और सच्चाई बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ। इसके बाद कोई भी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सामने वाला भी इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। अगर वो वीडियो बनाता इस टॉपिक पर तो समझ लीजिए आप लोग मेरे नाम पर वो व्यूज छापना चाहता है। बस यही सच्चाई है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को पूरा सच्चाई बता देता हूँ कि विजय और हमारे बीच में क्या कुछ हुआ था, क्यों हम लोग एक साथ वीडियो नहीं बनाते हैं, रीजन इसका क्या है, वो अलग क्यों बना रहा है और हम तो पहले से बना ही रहे थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी सच्चाई आप सभी को बता ही देता हूँ। तो लगभग दोस्तों 11 महीने पहले हम लोग साथ में वीडियो बनाते थे, 11 महीने पहले। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जब फर्स्ट पेमेंट आया 11 महीने पहले, तब तक तो सब कुछ सही था, बिल्कुल एकदम सही था, कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी हम लोगों के बीच में। लेकिन जब उसका 10 महीना पहले एक और पेमेंट आया, सेकंड पेमेंट, तब उसको मैं याद नहीं आया कि मुकेश साहनी कौन हूं। आप उसका 10-11 महीना पहले वाला वीडियो देखेगा जिसमें मेरे साथ वो वीडियो बनाया है, फर्स्ट पेमेंट वाला। लेकिन जब 10 महीना पहले उसका, लगभग 10 महीना पहले जब सेकंड पेमेंट आया, तब वो मुझे पूछा तक नहीं कि मुकेश भाई मेरा पेमेंट आ गया है, आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ। इन सब चीजों से रिलेटेड मेरा कोई नाता नहीं रखा और मुझे वीडियो में भी नहीं दिखाया कि मुकेश भाई यही है जिन्होंने चैनल खोला था वगैरह वगैरह। और हाँ, अरे हाँ, पहले भाई इस बात को क्लियर कर देते हैं कि वो ये तक नहीं बोला कि मुकेश भाई चैनल खोले थे और मेरा पेमेंट आ गया, सेकंड पेमेंट, ये सब बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ। अब मैं एक और ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ ना जिसने विजय आज तक आप सभी को कभी भी नहीं बताया। दरअसल वो चैनल विजय का नहीं, वो मेरा ही चैनल है। मैंने आप सभी को ये कभी सच्चाई नहीं बताया। मैंने सोचा ये सब छिपा के रखते हैं, ये किसी को नहीं बताना चाहिए, ये उसकी कहीं ना कहीं प्राइवेसी है। लेकिन वो मेरी ऐसे इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है गाँव वालों की नज़रों में ना, कि मतलब ऐसे गिरे हुए इंसान। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी लोग होते हैं जिसको मैंने उंगली पकड़ना सिखाया, आज मेरा हाथ खींच रहा है। वो चैनल मेरा है, मेरा। मैंने चैनल इसलिए उसको दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि वो अब सीखेगा धीरे धीरे और वीडियो बनाना शुरू करेगा धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ करेगा। लेकिन मैंने उसी समय बोला था कि मैं चैनल तो दे रहा हूँ विजय, लेकिन एक बात याद रखना, जिन्होंने मुझे शुरुआत में मजाक उड़ाया था, जो आसपास के यूट्यूबर्स हैं वो मजाक उड़ाए थे, मेरे बारे में गंदा गंदा वर्ड बोले थे, उन लोगों से दूरियां बना के रखना, याद रखना, तभी मैं चैनल दूंगा। उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन यही हुआ कि जब सेकंड पेमेंट आया तो मेरे को वो भूल गया, मेरे को इतू सा भी नहीं बोला कि मुकेश भाई कुछ खान पान हो जाए, मेरा सेकंड पेमेंट आया। चलो ये बात हो गई कि पेमेंट आने के बाद वो मुझे भूल गया। कहते हैं पैसा आने के बाद अक्सर लोग भूल ही जाते हैं ना, तो शायद लगभग लोगों में यही हुआ है हमारे साथ। लेकिन वो क्या है ना कि लोग ना सोच रहे हैं ना कि मतलब कि वो छोटा क्रिएटर है, मैं बड़ा क्रिएटर हूँ, तो मतलब मैं गलत हूँ वो सही है। लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है, चैनल मेरा ही है। आज वो मेरे ही चैनल पर मेरी ही बुराइयां कर रहा है और आप लोगों को लग रहा है वो सही बोल रहा है। वाह रे इंसान, मतलब आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ, वाह रे इंसान। मतलब सोचने वाली बात है, जिसने सब कुछ उसको सिखाया आज उसी के बारे में वो गलत बोल रहा है। मेरे ही चैनल पर समझ लीजिए वो मेरे बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा है, बोल रहा है कि मैंने सब कुछ झूठ बोला है अपने वीडियो में, मानना पड़ेगा, कसम से बता रहे ना। उसके घर वाले मेरे को रोक कर बोल रहे थे बेटा वो किसी और के बहकावे में आ गया है, उसे माफ कर दो वगैरह वगैरह। मैंने बोला वो कहे तो एक बार मेरे साथ की वीडियो बनाए, सच्ची बता रहे ना, आज तक मेरे से वो कभी बोला नहीं मुकेश भाई मुझे आपके साथ वीडियो बनाना है। वो खुद चला गया अपने से, और चला इसलिए गया क्योंकि हमारे गाँव का ही एक लड़का यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो उसके साथ मिल गया। और जैसे ही पैसा आया वो दोनों सोचे कि अब मैं इसी तरह मंथली पैसा कमाते जाऊंगा और मेरे से भी आगे बढ़ जाऊंगा, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सब चलने लगा। अब जब वो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो वीडियो बनाने लगे, तो फिर क्या हुआ कि मेरी जो ऑडियंस थी पसंद ना करने लगी, कमेंट करने लगी उनके वीडियो में कि मुकेश के साथ वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। उनके पास सच्चाई क्या थी,
बोलने के लिए कोई जवाब था ही नहीं। कैसे बोल सकते हैं कि मेरा तो पेमेंट आने लगा है मुकेश भाई के पास, जरूरी की क्या जरूरत था? कैसे वो बोल सकते हैं ये सब बातें? कैसे वो बोल सकते हैं कि मुझे कोई और मिल गया है, मुकेश के पास मैं नहीं जाऊंगा? ये सब सच्चाई तो वो बताएंगे नहीं, ये सब सच्चाई तो बताएंगे नहीं कि मुकेश भाई मुझे कभी मना ही नहीं किया वीडियो बनाने से। ये सब सच्चाई तो कभी बताएंगे नहीं कि मैं बिग्जय को कभी बोला ही नहीं कि मेरे पास मत आओ। आज तक मैंने कभी बोला ही नहीं कि बिग्जय भाई मेरे पास मत आओ, कभी भी नहीं। और वो बोल रहे हैं वीडियो में अपने कि मेरे को कैमरामैन बना दिया, मुझे ब्लॉग में कम लेने ले। तो भाई मैं आपको कैमरामैन मान लो बना दिया था तो उसके पैसे तो दे रहा था मैं। अगर किसी को मैं पैसे पे रख रहा हूँ कैमरामैन के रूप में तो भाई बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। मान लीजिए अभी मैं पूरा ए टू जेड मैं खुद से कर रहा हूँ, ए टू जेड एडिटिंग अपलोडिंग रिकॉर्डिंग सारा कुछ ए टू जेड। लेकिन मान लो मैं किसी को कैमरा के रूप में रख रहा हूँ, उसको मैं पैसे दे रहा हूँ अपना, उसका जो कुछ भी होता है रोजी रोटी के लिए, जो कुछ भी उसका मतलब होता है ना कि दिन का 200-400-500 जिस हिसाब से होता है उसकी मैं मजदूरी दे रहा हूँ, तो इसमें कहाँ की गलत है भाई? अब वो गांव वालों की नजर में मेरी इज्जत घटा रहा है। अब मैं एक और बात बोल देना चाहता हूँ सामने वाले को, विजय को। देखो अगर मेरे ऊपर एक और वीडियो बनाए तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा, क्योंकि देखो किसी को बदनाम करने की एक हद होती है। अगर आप सच्चाई नहीं बता सकते तो क्यों झूठ झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल देते कि ये चैनल मेरा है जो आप जो आप चैनल चला रहे हो? आप जब मेरा चैनल आप चला रहे हो, मेरे चैनल पर मेरे बारे में बुराई कर रहे हो, तो ये कहां की इंसाफ है? गलत है कि नहीं आप लोग खुद बताइए दोस्तों। मैंने जब सब कुछ मैंने किया है, मैं सारा कुछ वीडियो मैंने ही अपलोड किया उनके चैनल पर, मैंने खुद वीडियो बनाया, मैं एडिटिंग किया हूं, सब कुछ मेरा ही है। अब वो आज वो क्या है कि अलग हो गए, मतलब पैसा आने लगा तो आप खुद से कर रहे हैं तो मेरे बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं कि ये बताइए कहां तक सही है किसी के ऊपर वीडियो बनाना? इस तरह से क्या हक है उनका मेरे ऊपर वीडियो बनाने का? मैं इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता हूं क्या? मैं सोच रहा हूँ गांव का लड़का है, चलो दो चार पैसे कमा रहा है, कमाने दो। लेकिन वो तो मतलब मेरे बारे में गंदगी फैला रहे हैं, मेरे को बदनाम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा ही करता रहे तो बताइए मेरा उनके ऊपर एक्शन लेना गलत है या सही? आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। कसम से उनकी अम्मा हमको रोक के बोल रही थी एक दिन कि बेटा वो गलत लोगों के बहकाव में आ गया है वगैरह वगैरह, उसके साथ वीडियो बनाओ। मैंने बोला कि हमने कब माना क्या उसको, वो तो खुद नहीं आ रहा है। जब वो किसी और के साथ मिल गया तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी उसको? वो इसलिए ना दोस्तों, मेरे पास था एंड्रॉइड और जिनके पास वो था ना, उनके पास था बड़ा बड़ा वाला कैमरा, जानते हैं ना आप लोग। कहीं ना कहीं लोग उसको देखते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा कुछ मिलने के चांसेस रहते हैं, जैसे होता है ना बेटर की तलाश में लोग रहते हैं बहुत से लोग ना, तो वो ऐसा वाला सीन है उसके, ऐसा हुआ है। और जब चैनल डाउन हो गया तब मुकेश की याद आने लगी कि मुकेश भाई अपने घर वालों से, मतलब क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं कहने लगे थे इस बात को, तो उनके घर वाले मुझसे कहने लगे थे ये बात, और उनके सारे रिश्तेदार विजय को मतलब कह कह के परेशान हो गए थे, उनके साथ वीडियो बनाओ। मेरे को सब सच है पता, लेकिन मैं कभी बताया नहीं आप सभी को। मैंने सोचा उसकी बदनामी होगी, लेकिन भाई साहब सामने वाला तो मुझे बदनाम करने में ही तुला है। बताओ ये कहां तक सही है? अगर मैं इनके ऊपर एक्शन लूं तो कहां तक गलत है? मैं चाहूं तो एक्शन लूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं दो पैसा कमा रहा है इंसान, चलो कमाने दो। लेकिन किसी के खिलाफ बोलना ये गलत है, यूट्यूब के नियम के खिलाफ आप किसी के मर्जी के बगैर उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकते हो। बताओ मैं क्या करूं अभी? मैं बस यही कहना चाहता हूं सामने वाले को, विजय को, अब मेरे ऊपर एक भी वीडियो नहीं बननी चाहिए। अगर मेरे ऊपर वीडियो बनती है तो सब समझ जाना दोस्तों, बस वो व्यूज के लिए कर रहा है और मुझे बदनाम करना चाहता है, और मतलब मेरे नाम से वो व्यूज लेना चाहता है, बस यही सच्चाई है। रियल खुल के वो कभी तो बताया ही नहीं, बस वो शुरुआत में कुछ और दिखाता रहा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट मेरे बारे में बोल दे रहा ताकि उसके वीडियो में व्यूज आए और वो मतलब मुझे बदनाम भी कर दे, पैसे भी कमा ले, बस वो यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। अगर ऐसा नहीं है तो 1 साल पहले या फिर इसके पहले क्यों नहीं मेरे बारे में सच्चाई बताया जब मैं इतना गलत था? जब शादी हुआ मेरा, जब चैनल डाउन था, तब तो नहीं दिखा मुकेश कौन है। जब मेरा वीडियो में व्यूज आने लगे, थोड़े बहुत मुझे सपोर्ट मिलने लगे पहले जैसा, तब तो दिखा कि मुकेश तो गलत कर रहा है। मतलब सोचने वाली बात नहीं है, जब चैनल डाउन था 1 साल से मेरा, व्यूज कम आने लगे थे, हालांकि मैं पैसे कमा रहा था, मेरी रोजी रोटी चल रही थी, बंद तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन जब चैनल डाउन था तब तो मुकेश नहीं याद आया, मुकेश गलत किया। लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देना कहां तक सही है? ये गलत संदेश दे रहा है लोगों को, इससे मेरी छवि खराब हो रही है। अब लोग सोच रहे हैं वो छोटा है तो वो सही बोल रहा होगा, मैं बड़ा हूं तो मैं गलत बोल रहा हूं। मैं सच्चाई ए टू जेड यही बता रहा हूं, वो चैनल मेरा है, मेरा चैनल, मैंने उसको दिया था कि इस पर ऐसे ऐसे करना और कभी भी गलत लोगों के साथ मत जुड़ना। लेकिन नहीं भाई, पैसा आने के बाद तो भाई भूल ही जाओगे। देख रहा उसके वीडियो में 10 महीना पहले जब उसका सेकंड पेमेंट आया तो मेरे को पूछा था नहीं मुकेश कौन है। लेकिन नहीं भाई नहीं, पैसा आने के बाद बोलते हैं ना लोग भूल जाते हैं ना, ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब ये ऊपर मेरे ऊपर लगा रहे सब लोग कि तुम भूल गए हो, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं है। मैंने आज तक मना ही नहीं किया कि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए मत आओ।
वो ये सच्चाई क्यों नहीं बताता है कि मुकेश भाई मेरे को मना नहीं किया, मैं खुद से वहां से भाग आया हूँ। आप ये बताइए, अगर उसके वीडियो में व्यूज नहीं आता, वो पैसा नहीं कमाता, तो क्या मेरे से वो दूर जाता? नहीं, आप लोग खुद सोचिए, मेरे पास रहता था तो मैं उसको पैसे भी देता था, इज्जत भी मिलता था। अपने वीडियो में बोल रहा, मैं मुकेश भाई के पास रहता था तो मेरी इज्जत ही नहीं रहती थी। आप लोग मेरे माध्यम से उसको जाने हैं, सब कुछ मेरा मेरे वजह से ही हुआ है, मैंने सब्सक्राइबर्स उसका गेन कराया, मैंने बढ़वाया है। आज वो ऐसा बोल रहा है, मुकेश भाई की वीडियो में मेरी इज्जत ही नहीं रहती थी। मेरा मतलब ऐसा हुआ, दिमाग मतलब चौपट हो गया भाई। मैं सब कुछ सच्चाई खुल के बता रहा हूँ, ए टू जेड। मतलब ना कहीं देखा जाए ना, वो लालची हो चुका है पैसे की। उसको ऐसे चाहिए कि पैसा उसको इतना जरूरत हो गया कि सामने वाला बदनाम हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कुछ भी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ा, बस पैसा चाहिए पैसा, ऐसा सीन हो चुका उसके साथ। ये क्यों नहीं बताता कि मैं लोगों के साथ मिलकर उसका साथ छोड़ा हूँ? नहीं, रियल सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं बताता मैं 4-6 लोगों दूसरों के साथ मिल गया था, उसके बाद मुकेश भाई के साथ छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं दूसरे के साथ अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा और पैसा कमाऊंगा, मुकेश भाई से ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। ये सच्चाई क्यों नहीं बताता? आप लोग सोच रहे हैं मैं गलत कर रहा हूं, मेरे वीडियो में से कमेंट आते हैं, उससे पूछिए ना कब मैंने मना किया था। मैंने जब उसको मना ही नहीं किया कभी वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ, तो वो क्यों ये सब सच्चाई नहीं बता रहा है? जब मैं असली सच्चाई बताता हूं तो भरोसा ही नहीं होता किसी को, ऐसा लगता मुझे। लेकिन जब गलत इंसान बोलता है ना, कहता है कि अरे क्या बोलते हैं, एक होता नहीं, एक कहावत होता है कि झूठा अगर गलत भी बोल देना तो मीठा लगता है, और कोई अच्छा इंसान बहुत ही अच्छा बोल देना तो वो जहर भी लगता है। ऐसे कुछ कहावत है, ऐसा कुछ मतलब याद नहीं आ रहा मेरे को। मैंने बदनाम करने की जब सारी कोशिश बेकार चली जाती है ना, तब तो साजिश रची जाती है। देखो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अब मेरे ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बननी चाहिए। अगर मेरे ऊपर वीडियो बनती है तो पहली बात तो यह है कि मेरे नाम पे व्यूज छाप रहे हो, और ये बिल्कुल भी बंद कर दो। बिल्कुल भी एक भी वीडियो मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा, क्योंकि मेरी छवि अगर खराब हो रही है तो मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा। मैं अगर गलत हूँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बनाओ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लग रहा है, गलत गलत मेरे ऊपर वर्ड्स निकल रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा, क्योंकि भाई मेरी भी समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इज्जत है, तो मैं इस इज्जत को क्यों बरकरार ना रहने दूं, क्यों ना इस इज्जत को बनाए रखूं, इसको क्यों बदनाम होने दूं। तो बस यही सच्चाई है दोस्तों, कि जब उसका सेकंड पेमेंट आ गया था तब से वो मेरे साथ वीडियो बनाना बंद कर दिया है, और आप लोग उसकी वीडियो में जाकर देख सकते हो। 11 महीने जब पैसा आया, 11 महीने जब पेमेंट आया था फर्स्ट पेमेंट, तब मैं उसके ब्लॉग में हूँ, और जब 10 महीने पहले वीडियो पेमेंट आया था तब मैं उसके साथ वीडियो में नहीं हूँ, जबकि वो गाँव पर ही था। बताइए, जब सामने वाला गाँव पर ही था, मैं भी गाँव पर ही था, तब मेरे पास वो क्यों नहीं आया? जबकि मैंने एक बार भी उसको मना नहीं किया था वीडियो बनाने के लिए कि मेरे पास मत आओ, एक बार भी मना नहीं किया था मैंने। तो बताइए, उसका सेकंड पेमेंट आया तो मेरे पास क्यों नहीं आया? ये सब सच्चाई नहीं बताएगा वो आपको, नहीं बताएगा, क्योंकि जान जाएंगे ना लोग कि असली सच्चाई क्या है। तो यही बात है दोस्तों, आप लोग अच्छी चीजों को जानो, सच्चाई जो है वो चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अब बाकी आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कौन सही है कौन गलत, ये आप लोग जानो। अगर बस यही मैं कहना चाहता हूँ इसके ऊपर, इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, और इस टॉपिक पर मैं एक भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, और सामने वाला भी एक भी वीडियो ना बनाए यही उम्मीद रखता हूँ। अगर बनाता है तो भाई अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, अभी हम विजय के मम्मी के पास जा रहे हैं, वो विजय की असली सच्चाई खुद बताएंगी, और कोशिश करेंगे कि विजय को भी कॉल से संपर्क किया जाए और उससे असली सच्चाई पूछा जाए। चाची, हम उनसे कहें कब वही बात? उनसे तो नहीं कहो, लेकिन सुनो सुनो चाची, पहले बात खत्म हो जाए दो हमार। हम विजय से कभी कहें वीडियो बनाने के लिए कि नहीं बनाएंगे? नहीं ना, ये तो विजय से तू नहीं कहो। आपसे कभी कहें? नहीं। तब वो अपने वीडियो में ऐसा काहे बोल रहे हैं? लेकिन सुनिए, अब ना अब सुनिए चाची, अब अपना बेटवा को बोल दी, हम ना विजय को कभी बोले थे वीडियो ना बनाए मेरे साथ, ना आपको बोले थे। बोल दीजिए वीडियो में बोले, वो झूठ बोल रहे हैं वो वीडियो में, ऐसे गांव में मेरी छवि खराब होती है, ये गलत बात है। सुनो, आप एक बात बताइए, वो चैनल हमारा था, हम उसको विजय को दिए थे, और बताए थे कि जो लोग मेरे खिलाफ रहते हैं, आसपास के कुछ लोग यूट्यूबर हैं, उनसे कभी मत जुड़ना, उनके साथ वो वीडियो बना रहा है। जब आपको पता है कि आपको पता है किसके साथ वो मिलकर मेरे से अलग हुआ है, आपको पूरा बात बता, भले ही आप ना बोलो, सब जानते हो आप लोग। हेलो, अरे विजय बाबू, हाँ बोलो भाई, काहे गलत गलत वीडियो बना रहे हो? हम आपको कब मना किए कि मेरे साथ वीडियो मत बनाओ? हम अच्छा रुकिए रुकिए, आप सुनिए सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। आप एक सच्चाई बताइए, झूठ मत बोलिएगा। हम आपको कभी कहें कि मेरे साथ वीडियो मत बनाओ, सच सच बोलिएगा, हम कभी मना किए?
कबो नहीं मना किए, चलिए कबो नहीं मना किए। आपकी मम्मा को कभी, आपकी अम्मा को कभी बोले, चाची आपको बोले कभी वीडियो में? तब आप ये बताइए, जब आपका फर्स्ट पेमेंट आया तब तो आप हमारे साथ वीडियो बनाए, लेकिन जब आपका, अरे सुनिए हमारी बात तो खत्म होने दीजिए ना एक बार। हाँ, बोलो। जब आपका फर्स्ट पेमेंट आया तो हमारे साथ वीडियो बनाए, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन जब सेकंड पेमेंट आया, मैं गांव में ही था, तो आप हमारे पास आया ही नहीं, ये कहाँ से सही है? पहले हमारी बात सुनो आप। हाँ बोलिए। जब तूने वीडियो में क्या कहा है? तूने, अरे वाह क्या इज्जत है, जो वीडियो डाले हो ना वो बिना मर्जी के डाले हो, तो फिर अपने सोच समझ के ये सब काम करना, पूछ लिया जाता यूट्यूब पर वीडियो डालने से पहले। वो तो बात सही है भाई, वो तो बात सही है, बिना मर्जी के अपने मर्जी से वीडियो डाले हैं, लेकिन बहुत ही सारा कमेंट आ रहा था। देखिए कमेंट आ रहा था तो सही चीज बताइए कि आपको किसी और का साथ मिल गया इसलिए आप हमारा साथ छोड़ दिए, तो झूठ कहे बोलेंगे आप? जब हमारे, जब हमारे से बढ़कर नहीं थे तब फिर क्यों मेरा साथ छोड़ के उनके साथ गए? तुम्हारा साथ में नहीं छोड़ता भाई। तो हमारा साथ नहीं छोड़े थे तब सेकंड पेमेंट आया तो हमारे पास क्यों नहीं आया आप? क्योंकि उसमें तो तुम्हारी और हमारी बोलचाल बंद हो गई थी। तो बोलचाल क्यों बंद हो गई? तो मैंने तो मना नहीं किया था आपको मेरे पास मत आओ, मैंने तो नहीं मना किया था। पहले हमारी बात तो सुनो। बोलिए तो सही। हेलो। हाँ तुम ये बोलो, पहले जब तुम्हारा कहीं, पहले तो इज्जत से बोलना सीख लो भाई। तो दोस्तों आप लोगों ने खुद विजय के मुंह से और उनकी मम्मी के मुंह से सच्चाई सुन लिया कि वास्तव में विजय की असली सच्चाई क्या है, तो आप लोग को पता चलेगा कौन सही है कौन गलत। अब बस यही दोस्तों आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।